हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लज्जा पटेल पर मैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं ऊटी घूमने के लिए। ऊटी पहले भी मैं गई हुई हूँ, पर उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं करती थी और अभी मैं थोड़ी बीमार हो चुकी हूँ, मुझे जुकाम हो चुका है तो आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा क्योंकि कल गई थी मैं स्विमिंग करने के लिए, इस वजह से मैं बीमार हो चुकी हूँ। तो अभी बजे 4 रात के, तो बस अभी हम निकलने वाले, सब रेडी है तो लेट्स गो। रेडी अन्ना, यू रेडी? जब पिया बुलाओ तू ताड़ी पन। रेडी लेडी ताता के जे, लेट्स गो ताता के जे ताता। सो अभी हम आ चुके हैं नीचे पार्किंग में और अभी टाइम हुआ है 4:30। ड्राइवर भैया ने थोड़ा लेट कर लिया, उनको 4 बजे बोला था कि 4 बजे पहुंच जाना। हाय, गुड मॉर्निंग। कानो, गुड मॉर्निंग, फेस तो दिखाओ। सो हमने करवाई अर्टिगा गाड़ी और मैं और ध्रुव पीछे की सीट में बैठे हैं। तो अभी हमने लिया है ब्रेक और खाएंगे अभी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी भूख तो लगी नहीं है, लगी मेरे को बहुत। तो चलो लेट्स। सो हम खड़े हैं एक इडली वाले के पास, ड्राइवर ने बोला है यहाँ पर इडली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी मिलती है, लोग यहाँ पर बहुत ही खड़े रहते हैं इडली खाने के लिए। तो हमने सोचा चलो टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप की चटनी अभी डाली है और हमने 5 बोला है इडली का। तो ये बड़ी बड़ी वाली इडली दे रहे थे, तो सब प्लेट में एक एक इडली देते हैं और साथ में ये दे रहे थे कुछ वड़ा, अभी आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं। तो चलो टेस्ट करते हैं। और वैसे मुझे इडली कम पसंद है पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे अनाया भी खा रही है इडली, उसको भी मज़ा आ गया, उसने शायद पहली बार ही खाया होगा साउथ इंडियन और ये इडली। सो ये आ चुका है बंदीपुर, यहाँ पे बंदीपुर फॉरेस्ट आ चुका है, यहाँ से हमको क्रॉस होना है। तो बहुत ही अच्छा व्यू था पूरा फॉरेस्ट का और बीच में बोला है कि बीच में एनिमल्स भी दिख सकते हैं, तो लेट्स सी कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। हमको जंगल में सबसे पहले दिखे हिरन और यहाँ पे बहुत सारे हिरन थे। और यहाँ पे ये बंदर देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, यहाँ पे जैसे गाड़ी का स्वागत करने के लिए बैठे हो वैसे टाइप के बैठे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। अभी जंगल में हमको दिख गया ये एलिफेंट। इतनी खूबसूरत दिखती कि मैं तुझे देख के पागल हो जाता। अब आप भी बोल दो तो अभी। क्या? तो बहुत खूबसूरत दिखती। मैं अभी भी नींद में से बाहर ही नहीं आ रहा।
अभी हम जा रहे हैं चाय पीएंगे और बजे है 11:30। अभी कितना दूर है और और हाँ। और 1.5 घंटा तो होगा। तो अभी हमको पीनी थी चाय, तो हम आए चाय की टपरी में चाय पीने के लिए। तो ये रही हमारी चाय, और हर चाय के कलर थोड़ा अलग होता है, पर इसका थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर था, पर टेस्ट में तो अच्छा था, मस्त था, मज़ा आ गई चाय पीकर। ये चाय बहुत अच्छी है। लेमन टी लेमन टी। सो अभी हमने चाय पी ली है और अभी हम निकल चुके हैं ऊटी जाने के लिए। अभी हम ऊटी में एंटर हो चुके हैं और मस्त मौसम लग रहा था और फॉग था सब जगह पर। एंटर होते से बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने स्कार्फ पहन लिया है। वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर फैशन साइड पर गई, पहले अपनी बॉडी को खुद को संभालो, और वैसे भी मैं बहुत बीमार भी हूँ, तो मैंने स्कार्फ पहन लिया। और ये है टी गार्डन। सो हम अभी ढूंढ रहे हैं हमारा होम स्टे। हम टॉप पर आ चुके हैं पर हमको हमारा होम स्टे नहीं मिल रहा था, तो अभी हमने फ़ोन किया है और वो लेने आएंगे, और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। सो अभी हम पहुंच चुके हैं होम स्टे में और मस्त मौसम है, ठंडा ठंडा एकदम बढ़िया मौसम। और ये वाला व्यू है हमारे होम स्टे के बाहर का, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। और ये है होम स्टे, हम रहने वाले हैं 3 दिन, इसमें रुकने वाले हैं। सो ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं होम स्टे में, और ये है हॉल और ये है फर्स्ट रूम। चलो अंदर से देखते हैं। तो ये वाला है फर्स्ट रूम, और अभी चलते सेकंड रूम पर। ये वाला भी सिंपल सोबर अच्छा सा रूम लग रहा था। सो अभी चलते हैं आगे, और ये है डाइनिंग टेबल और ये है किचन एरिया। और ये है सेकंड रूम, ये भी अच्छा था, ये भी सिंपल सोबर रूम था, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कंफर्टेबल रूम था। अभी चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर है थर्ड रूम। तो ये है थर्ड रूम, और ये सबसे बड़ा रूम था। होमस्टे बहुत ही ज़्यादा मस्त है, आपने देखा ही होगा, अभी मैंने शूट करके दिखा दिया, और मस्त व्यू है, लाइक देख सकते हो आप, माउंटेन व्यू है यहाँ पर, ये सारे टी के। हाँ।
गार्डन गार्डन से सारे के सारे टी के गार्डन से और उसके एग्जिट सामने ही हमारा होम स्टे और हमारा सबसे ऊपर हाइट पर है। कैसी ठंड लग रही है? बहुत ठंडी। ये तो लगेगी। आपका कौन सा रूम है? ये वाला। ओके ओके। ए क्यों रुला रहा है? सो आकाश के उनसे बालकनी भी है तो चलो बाहर देखते हैं। तो ये है बालकनी जैसा और डायरेक्ट बाहर का व्यू दिख रहा था। वाह तेरे रूम से तो बहुत ही अच्छी बालकनी है। तूने ली ये तो व्यू में मेरे हाथ में जो आता अच्छा आ जाता है। कहाँ जा रहे हो? खाना खाना आ चुका है। आकाश और ध्रुव खाना लेकर आ चुके हैं तो चलो नीचे चलते खाना खा लेते। खाने में है पनीर की सब्जी, रोटी, राइस और मम्मी चटनी बनाकर आई थी। और चलो टेस्ट करते कैसा है। तो टेस्ट किया, अच्छा था, थोड़ा स्पाइसी था पर अच्छा था, मुझे पसंद आया। तो अभी हम आए ऊपर टेरेस देखने के लिए कैसा है। कानो खसो। तो अभी हम टेरेस पर बैठे हैं और यहाँ पे थोड़ा चिल कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा वेदर है और क्रेश करके कितनी मज़ा आ रही है। हमने कपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा रेस्ट किया और अभी हम जा रहे हैं। आई थिंक मार्केट जा रहे हैं ना? यस, सब बंद हो चुका है, 4 बजे बाद सब बंद हो जाते हैं और आज संडे है, वैसे भी सब बंद रहते हैं। और चॉकलेट फैक्ट्री पे जाने वाले थे पर आज संडे इसलिए 12 बजे बंद हो जाती है। तो लेट्स गो, अभी देखते हैं, अभी पता नहीं है कहाँ जाना है। सो अभी हम आए हैं टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री में। चॉकलेट फैक्ट्री पता नहीं चालू है कि नहीं है, टी फैक्ट्री तो चालू है। तो ये है बैंड, ये पहनकर हमको जाना है अंदर फैक्ट्री में। तो ये पहन लिया मैंने बैंड, तो लेट्स गो। सो ये है चॉकलेट फैक्ट्री, आज बंद नहीं है, ओपन है। तो लेट्स गो, अंदर चलते हैं। तो ये चॉकलेट कैसे बनाते उसकी पूरी प्रोसीजर यहाँ पे समझाई थी और ये मैं फास्ट फॉरवर्ड करके पूरी वीडियो डाली हुई है, देख लो आप। हमने पूरी चॉकलेट की प्रोसेस देखी और ये रही चॉकलेट जो बनकर रेडी हुई है। और आगे यहाँ पे टेस्ट भी करवा रहे थे चॉकलेट। और अभी चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर और नेक्स्ट फ्लोर पर है चाय। तो अभी देखते हैं चाय कैसे बनती है, उसकी प्रोसेस कैसे बनती है। तो ये है चाय की फैक्ट्री। अभी इवनिंग हो चुकी है और ये क्लाउड कितना प्यारा लग रहा है। सो हमने टी फैक्ट्री देख ली थी और यहाँ पर ऊपर के फ्लोर पर आया है और यहाँ पे 4 फ्लेवर के अलग अलग टी थे पर यहाँ पे अभी 2 अवेलेबल थे सिर्फ, ख़त्म हो गए थे। ये एक मिल्क वाली है और एक थी लेमन टी। तो चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। तो अच्छी थी और मैंने ध्रुव को भी पूछा और उनको भी अच्छी लगी क्योंकि वो भी मेरे जैसे टी लवर है। तो मैंने पूछा उनसे, उनकी भी राय ली तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम आए हैं ऊपर के फ्लोर पर और यहाँ पर मिल रही थी टी, सब टी मिल रही थी। ग्रीन टी है, नॉर्मल मिल्क वाली टी है और इसमें फ्लेवर भी बहुत सारे मिल रहे थे। तो यहाँ पे चॉकलेट टी एक अलग दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी मुझे।
तो अभी देखते हैं, हमने एक लिया है और मैंने कौन सा वाला लिया है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, होटल जाके सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पर, क्या है। तो यहाँ पर मिल रही थी, ये है चॉकलेट है, यहाँ पे चॉकलेट स्टोर है और यहाँ पे सब सैंपल भी रखे हुए हैं। तो हमने यहाँ पर भी देखे और मुझे फ्रूट एंड नट चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर हमने ले लिया है चॉकलेट भी, और वो भी मैं बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद दूसरे फ्लोर पर मिल रहा था, यहाँ पे मेकअप की प्रोडक्ट मिल रही थी, मतलब मॉइस्चराइज़र है, लोशन है और स्पाइसेस सब मिल रहे थे, पर वो सब की नीड नहीं थी हमको, तो वहाँ से कुछ नहीं लिया। उसके बाद हम आए दूसरे फ्लोर पर और यहाँ पर बहुत सारे कैप थे, फिर छोटी छोटी चीज़ें थी बहुत सारी अच्छी थी, और यहाँ पर झुमके मिल रहे थे। और आप सबको पता ही है मुझे झुमके बहुत ज़्यादा पसंद है, झुमके है तो मैंने झुमके तो लेने बनते हैं। उसके बाद हम आए हैं यहाँ पे स्वेटर जैकेट की शॉप पर, स्टोर पर, तो वहाँ पर ध्रुव ने देखा तो उन्होंने एक स्वेटर लिया, और मैं कुछ पोचो या फिर शर्ट जैसा कुछ देख रही थी वुलन में, तो मैं ट्राई करके देख रही थी कि मैं क्या लूँ। तो उसके बाद मुझे एक चीज़ पसंद आई तो मैंने भी वहाँ से लिया, और क्या लिया है मैं बाद में आपको होटल जाके दिखाती हूँ। और दूसरे स्टोर में हम गए तो वहाँ पर ध्रुव को एक जैकेट पसंद आया, तो हमने जैकेट भी ले लिया है, और यहाँ पर अनाया ने एक कैप ली है, कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है अनाया। और अभी हम जा रहे हैं रिटर्न होटल हमारे। अभी हम आ चुके हैं हमारे होम स्टे पे और चलते ऊपर। सो अभी आ चुकी हूँ मैं रूम पर और बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मैं जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, दूसरे कोई ब्लॉग में दिखा दूंगी। तो ये ब्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।